तो अब क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। 5.5 जो एक्सरसाइज हमारी उसके क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक, इसमें क्वेश्चन है आपका, इफ ए इक्वल्स टू 3(1-1)(2) देन सो दैट ए स्क्वायर माइनस 5a+7i इक्वल्स टू 0। ठीक, हेंस फाइंड ए इनवर्स। तो कहना क्या चाह रहा है इस बार कि आपको पहले तो ये जो टर्म है हमारा ये शो करना है कि ए स्क्वायर माइनस 5a+7i इक्वल्स टू क्या आता है, 0 आता है, और उसके बाद प्रूव कर कुछ वैल्यू फाइंड करने की इसकी ए इनवर्स की। ठीक है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं मैट्रिसेस में। ठीक है, तो इसमें काम कैसे करना है, देखिए हमें क्या क्या फाइंड करना है। ए तो पहले से हमें पता है ए की वैल्यू है 3(1-1)(2) और ए स्क्वायर ढूंढना है यहाँ से आपको। ठीक, तो पहले चेक करेंगे, देखो हमें सिंस ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 3(1-1)(2) ठीक, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए इंटू ए। ए इंटू ए होने का मतलब है ए की वैल्यू रखो यहाँ पे 3(1-1)(2)(3(1-1)(2)। ठीक हो गया, अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल है, जैसे आपका मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन करते हैं उसी तरह से आपका क्या करोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे। तो पहली रो पहला कॉलम आओ, देखो पहली रो पहला कॉलम यानी 3(3+1)(-1)। ठीक है, अब पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो के साथ सारे कॉलम्स खत्म करेंगे, ये पहला एलिमेंट आया ऐसे ही दूसरा एलिमेंट आएगा, पहली रो दूसरा कॉलम। ठीक है, तो 3(1+1)(2) और दूसरे में दूसरी रो पहला कॉलम, तो ये आ जाएगा -1(3+2)-1। और नेक्स्ट आपका -1(1+2)-2। तो इस तरह की कहानी आ गई। अब देखो ये सॉल्व करूँ तो ये 3 3 जा कितना 9, ये -1 और यहाँ आ गया 3+2। अगले स्टेप में -3, -2 और इस स्टेप में -1+4। ठीक हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका 9 - 1 कितना 8, 3+2 5, -5 और ये 3। तो ये वैल्यू आ गई इसकी, ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आने के बाद आपको क्या करना है, एलएचएस पे फोकस करना है, इसके एलएचएस पे फोकस करना है और आरएचएस आपका निकालना है। ठीक है, देयर फोर अगला आंसर आ जाओ, देयर फोर ए स्क्वायर माइनस 5a+7i इक्वल्स टू क्या जाएगा, देखिए ए स्क्वायर की वैल्यू रखी 8, 5 - 5 3 और -5 ऐसे रहा इंटू ए, ए की वैल्यू कितनी है 3(1-1)(2) फिर +7i। आई मतलब है कि आपका, आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, डिपेंड करती है ऑर्डर पर हमारे, जैसे ए का ऑर्डर इस बार कितना है 2/2 का है, तो इस बार जो आई होगी वो भी हम 2/2 की लेने वाले हैं। ठीक है, इतना होने के बाद इसको हमने 8, 5 - 5 3 ऐसे रखा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करो, देखो -5 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर, तो -5 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ प्लस बचेगा और ये -5 से 5 * 3 कितना 15 हो गया, और इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना -5 और इससे इसको करोगे तो 5 और ये -10। ठीक, और 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है 7 0 0 7। अब देखो जो एडिशन है मैट्रिसेस का वो क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाते हैं। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करने वाले एक साथ कर रहा हूँ तीनों को, तो क्या आ जाएगा ये 8 - 15 + 7 आ गया। देखो फर्स्ट में 8 - 15 + 7, ठीक, दूसरा दूसरा एलिमेंट पकड़ो 5 - 5 + 0, तीसरे एलिमेंट पे आओ -5 + 5 + 0। ठीक है, और लास्ट है 3 - 10 + 7। तो ऐसी स्थिति तक पहुंचने के बाद अब देखो ये 8 + 7 कितना होता है 15, 15 - 15 कितना 0, ये टर्म आ गया 0, और ये 5 - 5 0 0 + 0 = 0, यहाँ भी 0, और अगले में देखिए 3 + 7 कितना 10 - 10 कितना। तो हम प्रूव कर चुके हैं कि ये चीज़ आपका क्या आ गई, जीरो मैट्रिक्स आ गई। देखो ये जो राइट का जीरो है ये नॉर्मल जीरो नहीं है, ये क्या है एक जीरो मैट्रिक्स है, तो थोड़ा डार्क कर सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो ये आपका आरएचएस निकल आया। ठीक, तो पहला केस तो हमने प्रूव कर चुके हैं, अब क्या करना है, देखो ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो इस बार आपको क्या करना है, कोफैक्टर्स निकालने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है कि सीधे सीधे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड। हमारे पास जो इक्वेशन है उसमें हम क्या करने वाले हैं, ए इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। ठीक हो गया ना इतना, तो अब यहाँ से इसे थोड़ा सा आगे बढ़ाऊँ तो मैं ये चीज़ क्या दिखाई देगी, देखो यहाँ पर आ जाएगा ये ए स्क्वायर, सिंस ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर -5a+7i
सेवन आई इक्वल्स टू कितना, राइट में जीरो है। अब इसको क्या करना है, बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है आपने किससे, ए इनवर्स से, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए इनवर्स, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी, ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 ए प्लस 7 i, और राइट में ए इनवर्स इंटू कितना, जीरो, ठीक। तो देखिए जीरो इंटू समथिंग इज ऑलवेज जीरो इन केस ऑफ मैट्रिसेस ऑल्सो, ठीक। तो ये जो राइट वाली टर्म है वो जीरो हो जाएगी, अंदर ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करना आपने तो क्या आ जाएगा, देखो ए इनवर्स मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई इक्वल्स टू कितना, राइट में जीरो, ठीक। ए इनवर्स और ए स्क्वायर है, देखिए बेस से मैं तो पावर ऐड करूँ, पावर ऐड करोगे तो ये चीज़ क्या बन जाएगी, ए माइनस ए इनवर्स इंटू ए हमेशा ही क्या मिलता है, आई, और प्लस यहाँ वाली टर्म को देखो 7 इंटू ए इनवर्स इंटू आई, ए इनवर्स इंटू आई यानी ये जो टर्म है ये सिर्फ क्या देगी, ए इनवर्स इक्वल टू राइट में कितना आ गया, जीरो, ठीक हो गया इतना। अब उसके बाद क्या होना, देखो हमें ए इनवर्स वाली टर्म को सेपरेट करना है, इस टर्म को यहीं रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाते हैं, ठीक है। बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाएंगे तो यहाँ क्या आने वाला है, 7 ए इनवर्स ऐसे बचा रहा, ये माइनस में वहाँ जाके प्लस में आ जाएगा, तो 5 i प्लस में आ गया, ठीक। और ए जो है पॉजिटिव है वहाँ जाके नेगेटिव, और ये जीरो जीरो प्लस समथिंग समथिंग, तो ये इतना बना रहा, ठीक। तो 7, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से, 1/7 ऑफ कितना, 5 i माइनस ए, ठीक। अब वैल्यूज रख दो इनकी, 1/7 ऐसे रहा 5, और इनटू में क्या जाना है, आई, आई का मतलब है 1001, ठीक। और माइनस ए जो है हमारा, ए कितना था, 3 1 -1 2, ठीक। तो यहाँ वैल्यू रखने के बाद 1/7 ऐसे रहा, 5 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ कैसी दिखाई देगी आपको, 5005, और दूसरा टर्म माइनस अंदर आपका 3 1 -1 2, ठीक। अब दो मैट्रिक्स का हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, तो सब्ट्रैक्शन करने में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जैसे ऐड कर रहे थे वैसे यहाँ पे भी है, 5 -3 कितना, 2, 0 -1 इज -1, 0 -1 +1 हो गया, और 5 -2 इज 3, ठीक है इतना। तो ये आपका क्या आ गया, ए इनवर्स निकल आया, आप चाहे तो 1/7 को अंदर लिख सकते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें काम करना है, ये क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की, तो क्वेश्चन नंबर 14 ऐसा है कि आपका, फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू 3 2 1 1 फाइंड द नंबर्स ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल्स टू 0, ठीक। तो इस बार हमें क्या करना है, थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन में, कि आपका प्रूव नहीं करना है, इस बार कहानी है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है और राइट में कितना है, 0 है, ठीक। तो इस इक्वेशन का यूज करूंगा, और किसकी वैल्यू, ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाला है, ठीक है। उसके लिए पहले देखिए हमें क्या क्या किस किस चीज की आवश्यकता है, ए स्क्वायर ए और आई, ठीक। तो ए तो दिया हुआ है, आई पता है आपका, जितने ऑर्डर का ए है उतने ऑर्डर का हम आई ले लेंगे, यानी कि आई की वैल्यू हो जाएगी 1001, यानी 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो फाइंड कौन करना है, फिर से ए स्क्वायर फाइंड करना बस, तो पहले ए स्क्वायर फाइंड करते हैं, देन इसमें रखने के बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड करने वाले, ठीक है। सिंस सिंस ए इक्वल टू कितना हमारे पास, 3 2 1 1, ठीक है, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए हो जाना, ए इंटू ए होने का मतलब यहाँ कितना, 3 2 1 1, ठीक है, इंटू 3 2 1 1। अब देखिए पहली रो पहली रो पहला कॉलम, ठीक है, पहली रो पहला कॉलम का मतलब 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1, पहली रो दूसरा कॉलम का मतलब 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, फिर पहली रो सॉरी दूसरी रो पहला कॉलम, ठीक है, तो 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 1, फिर आपका 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, ठीक है इतना। ये होने के बाद आपकी ये चीज़ कैसी दिखाई देगी आपको, देखो 3 3 जा 9 प्लस कितना आ गया, 2, और अगले में 6 प्लस 2, और यहाँ 3 प्लस 1, और अगले में 2 प्लस 1, ठीक हो गया इतना। अब इतना पहुँचने के बाद ये चीज़ आपका यहाँ पे आके रुकी, यानी 9 प्लस 2 कितना, 11, 6 प्लस 2 8, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 1 3, ठीक। तो ये आ गया आपका क्या, ए स्क्वायर की वैल्यू इतनी
आ चुकी है हमारे पास कितना 11843। ठीक, तो ए स्क्वायर की वैल्यू पता चल चुकी है, अब इस इक्वेशन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो वी हैव ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई इक्वल टू कितना है 0, विच इम्प्लाइज ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए 11843, और प्लस ए ऐसी रहा, ए की वैल्यू कितनी है 3211, और बी ऐसी रहा, आई की वैल्यू कितनी है 1001। ठीक, और राइट में देखिए 0 नॉर्मल 0 नहीं है, ये 0 मैट्रिक्स है, जितने बाई जितने ऑर्डर का यहाँ है, 2x2 की है ना सारी मैट्रिसेस, तो राइट में भी 2x2 का क्या मिलेगा हमें, एक 0 मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक हो गया इतना। अब यहाँ क्या करना है, देखो 11843 ऐसी रहा, ए को अंदर मल्टीप्लाई करो जरा, 3a 2a ए ए इतना पहुंच गए, और बी को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा, बी 0 0 b। ठीक, और साइड में कितना 0 0 0 0। ठीक है, अब इन सबको आपस में ऐड कर लो, इन सबको आपस में ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 11 प्लस 3a प्लस b, 11 प्लस 3a प्लस b, और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, 8 प्लस 2a प्लस 0। ठीक है, और अगला 4 प्लस a प्लस 0, और 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 0 0 0 0। थोड़ा सही तरीके से लिखें इस चीज़ को, तो यहाँ से क्या आने वाला है, देखो हमारे पास ये टर्म आ जाएगा 11 प्लस 3a प्लस b, और यहाँ 8 प्लस 2a, और अगले टर्म में 4 प्लस a, और यहाँ 3 प्लस a प्लस b इक्वल्स टू कितना, 0 0 0 0। ठीक है, तो अब ये इतना टर्म आने के बाद करना क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, विच इम्प्लाइज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ द टू मैट्रिसेस, ऑफ द मैट्रिसेस इक्वल। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप क्या करने वाले, देखो ये जो टर्म है ये इक्वल होगा किसके, 0 के, ये टर्म इक्वल होगा 0 के, ये टर्म इक्वल होगा 0 के, ये टर्म इक्वल होगा 0 के। ठीक, तो अब इस तरह से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। हाँ, तो कहाँ इससे आगे क्या करना है, हमें इक्वेट करना है करस्पॉन्डिंग टर्म्स को। ठीक है, करस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वेट करने के बाद क्या जाएगा, ये 11 प्लस 3a प्लस b इक्वल्स टू क्या आ गया, पहला 0, ये देखिए ये इसके इक्वल 0 के। ठीक है, दूसरा 8 प्लस 2a इज इक्वल टू 0, फिर 4 प्लस a इज इक्वल टू 0, फिर 3 प्लस a प्लस b इज इक्वल टू क्या, 0। तो देखो ये इसमें और इसमें तो दो दो वेरिएबल हैं, तो चाहे तो इन दोनों का यूज करके अलग से मैं ए और बी को निकाल लूँ। ठीक, लेकिन इन दोनों को गौर से देखो, इसमें सिंगल कौन ए है वेरिएबल बस दोनों के दोनों में। ठीक है, तो ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड करो जरा, तो 2a यही रहा इक्वल टू कितना, -8, विच इम्प्लाइज ए इक्वल टू कितना, -4। तो चेक करोगे तो ये आपका -4 की वैल्यू यहाँ रखो, देखो 4 -4 इज 0, तो इसका मतलब है कि ए की ये वैल्यू सही है हमारी। ठीक है, ए की वैल्यू, इस वैल्यू को या तो इस इक्वेशन में रख दो या इस इक्वेशन में रखो, इस इक्वेशन में रखता हूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 3 -4 प्लस b इक्वल टू कितना आ गया, 0, विच इम्प्लाइज -1 प्लस b इक्वल टू कितना, 0, विच इम्प्लाइज b इक्वल टू कितना आ गया, 1। ठीक है, अब इस a और b की वैल्यू ने इसको क्या करना है, सेटिस्फाई करना चाहिए। ठीक, ओरल चेक करते हैं, देखो b की वैल्यू यहाँ रखेंगे, a और b की वैल्यू, तो 11 ऐसे रहा, प्लस 4 × 3 कितना, माइनस का 12 आ जाना है, और प्लस में b कितना, 1, तो 11 प्लस -12 प्लस 1 ये चीज़ वापस कितना देती है, 0। ठीक, तो यानी सेटिस्फाई कर रही, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज, देयरफॉर द रिक्वायर्ड वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर -4 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो जो आपका रिक्वायर्ड वैल्यूज है वो आपका कितनी आ गई, एक -4 आ गई और एक क्या, 1 आ चुकी है हमारे। ठीक, तो इस तरह से हमें क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखो हमें काम क्या करना है, मेन काम हमारा क्या है कि क्वेश्चन में टर्म्स जो हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करने वाला हूँ, क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्वेश्चन नंबर 13 की तरह से। ठीक, बस फर्क इतना है, इस बार जो मैट्रिक्स है हमारी वो 3x3 की है, तो इनमें से एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे और बाकी आपके लिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फॉर द मैट्रिक्स कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3, सो दैट ए क्यूब माइनस 6a² ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू क्या, 0। ठीक, ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। आपको पता है ये 0 नॉर्मल 0 नहीं है, जितने ऑर्डर का ये है यानी आपका ए है उतने ही ऑर्डर का कौन होगा, 0 भी होने वाला है। ठीक है, यानी 0 0 0 0 0 0 0 और 0 0 0 भी इसकी वैल्यू। ठीक, तो अब देखो इसमें हमें प्रूव क्या करना है, ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू कितना, 0 प्रूव करना है। ठीक, तो इसके टर्म्स में हमें क्या क्या ढूंढना है, ए क्यूब ढूंढना है, ए स्क्वायर ढूंढना है, ए ढूंढना है और आई। ठीक, ए और आई तो पहले से पता है, बस ए स्क्वायर और ए क्यूब ढूंढना है। ठीक है, तो ए स्क्वायर ढूंढते हैं पहले, फिर ए क्यूब कैसे ढूंढना है उस पर बात करेंगे। ठीक, तो सिंस ए इक्वल टू कितना, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक, देयरफॉर ए स्क्वायर पे आओ, ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ए इंटू ए हो गया पहले तो। ठीक है, ए इंटू ए का मतलब हो गया 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 3 1 3। ठीक, और इंटू में क्या आ जाएगा इसके, 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ठीक, अब देखो इस बार डायरेक्ट कर रहा हूँ यानी मल्टीप्लीकेशन साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, पहली पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2। ठीक, तो पहला एलिमेंट मिल गया, पहली रो, दूसरा कॉलम आओ तो 1 प्लस 2 माइनस 1 आता है। देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 2 2 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, अब अगला वाला पहली रो तीसरा कॉलम आओ तो ये आता है 1 माइनस 3 प्लस 3। ठीक, तो देखो 1 इंटू 1 1 1 इंटू माइनस 3 माइनस 3 1 इंटू 3 3। ठीक, अब ऐसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू 1 1 2 इंटू 1 इज 2 और -3 इंटू 2 इज -6। ठीक है, 3 2 6 हो गया। ऐसी दूसरी कॉलम में आओ तो 1 प्लस 4 प्लस 3, देखो 1 इंटू 1 इज 1 2 इंटू 2 इज 4 -3 इंटू -1 इज 3। ठीक, फिर सेकेंड थर्ड यानी कि 1 -6 और -9, देखो कैसे 1 इंटू 1 इज 1 2 3 जा 6, माइनस में आ गया, 3 3 जा 9, माइनस में आ गया। ठीक है, अब लास्ट वाले में आओ, 2 -1 प्लस 6, देखो 2 1 जा 2 -1 1 -1 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया। ऐसे दूसरे में आओ तो ये 2 -2 और कितना देता है, -3। देखो 2 1 जा 2 -1 -2 हो गया और ये 3 इंटू -1 -3 हो गया। ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म है 2 प्लस 3 प्लस कितना आ गया, 9 आ गया। ठीक, अब क्या करना, देखो 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो गया, 4, 1 उससे 1 गया कितना बचा बस 2, 3 से 3 गया बचा गया 1। यहाँ देखो 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 6 इज -3। ठीक हो गया, अब इस वाले में 4 3 7 और ये 8। अगला टर्म 6 और 9 होता है 15 माइनस का, -15 प्लस 1 इज -14। ठीक, और यहाँ टर्म चेक करें तो ये 1 बचा, 1 और 6 7, 2 से 2 गया -3 और यहाँ 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 9 इज 14। ठीक, तो आपका जो ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर कितना आ गया, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14, तो ए स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब ऐसे हमें क्या फाइंड करना है, ए क्यूब फाइंड करना है। ए क्यूब के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, देखो ए, देयर फोर ए क्यूब, ए क्यूब के लिए इसे लिखेंगे ए स्क्वायर इंटू क्या लिख देंगे, ए, ए स्क्वायर इंटू, जब ए लिखूंगा तो ए स्क्वायर की वैल्यू तो पता है ना, मैं ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 × 14। ठीक, और दूसरा ए की वैल्यू पहले से पता है आपको, ए की वैल्यू है 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक, तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू रखी कितनी, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14। ठीक, और दूसरा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, इतनी वैल्यू रखने के बाद आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दो। फिर से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो पहली रो
कॉलम पहली रो, पहला कॉलम क्या आ जाएगा, 4 1 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, यानी 4 + 2 + 2 आ गया। ठीक हो गया इतना। उसके बाद अगला एलिमेंट देखो, इससे इसको मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ क्या बचता है, 4 + 4 - 1। ठीक, फिर अगला एलिमेंट क्या आता है, देखो 4 - 6 + 3। ठीक, फिर यहाँ से सेकेंड रो पहला कॉलम, -3 + 8 और -28। ठीक है, -3, 8 और -28। और अगला है आपका -3 + 16 और ये कितना, +14। और अगला टर्म -3 - 24 और माइनस कितना, 42। ठीक है इतना। अब अगला टर्म है, इससे इसको मल्टीप्लाई करो तो 7 - 3 + 28। फिर अगले में 7 - 6 - 14। फिर अगले में 7 + 9 और प्लस कितना, 42। इस तरह की टर्म्स आ गई हमारी। ठीक है, तो देखो मल्टीप्लिकेशन पहले बात हुई है तो थोड़ा सा शॉर्ट में कर रहे हैं, यानी कि नहीं तो हम हर एक चीज़ को मल्टीप्लाई करके बता रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो 4 + 2 + 2 कितना होता है, 8। 4 + 4 = 8, 8 - 1 = 7। ठीक, और यहाँ 4 - 6 वैसे चेक कर लो, देखो 4 + 3 कितना, 7। 7 - 6 कितना, 1। ठीक है, और यहाँ कितना आ जाएगा, देखो 28 और 3 कितना होता है, 31। 31 में से 8 माइनस कर दो आप, 31 में से जब 8 माइनस करोगे तो ये बचता है -23। ठीक है, और 16 और 14 होता है 30। 30 - 3 = 27। ठीक, और यहाँ इन सबको ऐड करना है, देखो 42 + 24, 42 + 24 = 66, 66 + 3 = 69 लेकिन नेगेटिव। ठीक, और यहाँ चेक करो तो 4 4 और 28 कितना, 32। ठीक, और यहाँ चेक करें तो 7 - 6 = 1 - 13, और यहाँ देखें तो कितना, 49। 49 + 9 = 58। ठीक, तो ये आपका आ गया, AQ आ चुका है हमारे पास। ठीक है, अब सारी रिक्वायरमेंट है, यानी कि जितनी चीज़ें चाहिए थी हमें वो सारी हैं हमारे पास, तो LHS की बात करते हैं। देयरफॉर LHS इक्वल टू कितना था, a³ - 6a² + 5a + 11i। ठीक है, इसमें वैल्यूज रखो, देखो a³ की वैल्यू रखो कितनी है, 871 - 23, 27 - 69 और ये 32 - 13, 58। ठीक, और -6a² की वैल्यू कितनी हो गई, 4 2 1 - 3 8 - 14 और 7 - 3 14। ठीक है, और +5 × a, a की वैल्यू कितनी है, 1 1 1 1 2 - 3 2 - 1 3। ठीक हो गया, और +11i, 11i, i की वैल्यू कितनी है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक हो गया इतना। यहाँ पहुँचने के बाद बात करते हैं, देखो अब इस चीज़ को क्या करना है, 8 7 1 - 23 27 69 लेकिन माइनस का, 32 - 13 58 ऐसे रहा। अब 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा ये, माइनस, अगर आप चाहो तो -6 से मल्टीप्लाई करोगे ज़्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन चलो छोड़ो इस बार, माइनस बाहर रहने देते हैं। 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 4 = 24, 6 2 = 12, 6 1 = 6 और 6 × कितना आ गया, -18, 48 और यहाँ कितना आ रहा है, 14 6 14 6 कितना होता है हमारा, 14 6 = 84 और नेगेटिव। ठीक है, हाँ, फिर अगले में आया 6 7 = 42 और ये -18 और ये कितना, फिर से 84। ठीक, और +5 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 5 5 5 10 - 15, 10 - 5 15। ठीक, और लास्ट आपका 11 से मल्टीप्लाई करो, सॉरी प्लस है, तो 11 0 0 0 11 0 0 0 11। ठीक, तो इस तरह की टर्म्स आ गई हमारे पास।
अब क्या करना है देखो, अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, सॉरी ये एडिशन करना है और सब्ट्रैक्शन करना है। देखो ऐड में कौन कौन है, ये और ये एडिशन में है, तो सब्ट्रैक्शन में कौन, -24। ठीक, तो ध्यान देना इसी बात को। अब देखो एक साथ कर रहा हूँ इसको, तो ये क्या आ जाएगा, 8 -24 +5 और लास्ट में कितना, 11। ठीक है, और दूसरा टर्म क्या आ गया हमारे पास, जो दूसरा टर्म है इस बार क्या आ जाएगा, 7 -12। देखो -12 और ये +5 और लास्ट में 0। ठीक, थर्ड टर्म क्या आ जाएगा, 1 -6 +5 और लास्ट में फिर से क्या, 0। ठीक, और सेकेंड में आए -23 ऐसी रहा, यहाँ कितना आ जाना है, माइनस माइनस +18 आ जाना है और प्लस में कितना, 5 और +0। फिर नेक्स्ट टर्म 27 और -48 +10 और +11। ठीक, और लास्ट टर्म है -69 ऐसे रहा और ये +84 आ गया है और माइनस में कितना आ गया, 15 आ गया है। ठीक, फिर अगला टर्म 32 ऐसे रहा, -42 आएगा साथ में और +10 आ रहा है और प्लस में 0। -13 +18 -5 +0, लास्ट टर्म है 58 -84 +15 +11। ठीक, और ये +0 लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक हो गया, इतना इतना आने के बाद देखो चेक कर लो उरल, अभी 8 + 5 होता है कितना, 13, 13 + 11 होता है 24, 24 से 24 गया, 0 आ रहा है। यहाँ चेक करो, 7 + 5 12, 12 0 और ये भी 0 आ रहा है। ऐसे ही 18 + 5 23 होता है, 23 से 23 0 आ गया। 27 + 11 होता है 38, 38 + 10 48 0 हो गया है। अब यहाँ देखो 69 + 15 74, 84, 84 - 84 0, 32 42 10 माइनस में आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 13 और 5 होता है 18, 18 18 कट गया, 58 + 15 + 8 11 करिए 69 होता है, 69 + 5 इज 74, 74 + 10 इज 84, 84 से 84, यानी सारे एलिमेंट कितने आ गए, 0 आ गए, सारे के सारे एलिमेंट हमारे कितने आने वाले हैं, 0 आने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग लगभग ये प्रूफ हो चुका है। तो हुआ क्या, देखिए देयरफॉर ए ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस कितना था, 5 ए + 11 i इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास राइट में, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, और यही क्या है, 0 मैट्रिक्स है। ठीक, नाउ टू फाइंड ए इनवर्स, ए इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए जैसे देखो इस तरह के क्वेश्चन में जब कहे कि आपका ऐसा प्रूव करो, उसके बाद कहता है कि ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ज़्यादा नहीं सोचना है, सिर्फ आपका क्या कर देना है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना बोथ साइड। ठीक, सिंस ए क्यूब -6 ए स्क्वायर प्लस 5 ए + 11 i इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, 0, यहाँ से लिखोगे मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय किससे, ए इनवर्स, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ए इनवर्स से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, ए इनवर्स आपका बेस सेम है ना, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने में ये ए इनवर्स इंटू ए क्यूब -6 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर +5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए और +11 इंटू ए इनवर्स इंटू क्या, आई इक्वल टू कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। ये चीज़ कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर हो जाएगा और ये 6 ए हो जाना है और ये 5 i हो जाएगा और यहाँ आपका 11 a इनवर्स इक्वल टू क्या, 0 बरकरार आ रहा है। ठीक है, अब इसको सेव रखना है, इसको यहीं रखो, बाकी सारी टर्म्स को राइट में ले जाओ, तो 11 a इनवर्स इक्वल टू क्या आ गया, 6 a - a स्क्वायर - 5 i। ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल टू कितना आ गया, 1/11 ऐसे रहा आपका, 1/11 और साथ में क्या आ गया, 6 a - a स्क्वायर - 5 i। ठीक हो गया, इतना आने के बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेशन करो, यानी 6 a - a स्क्वायर - i निकालो, उसको कितने से डिवाइड कर देंगे, 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ए इनवर्स ऐसे रहा, 1/11 ऐसे रहा, 6 a, a की वैल्यू रखो इसमें, a की वैल्यू कितनी थी, 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ठीक है,
और माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर आया था 4 2 1 -3 8 -14 और लास्ट में 7 -3 और 14। ठीक, ये ए स्क्वायर की वैल्यू थी। और माइनस में 5 आई, आई की वैल्यू कितनी होगी 100 0 1 0 0 1 0 0 1। ठीक, इतना होने के बाद अब 1/11 तो ऐसे रहा, 6 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज़ कैसी हो जाएगी, 6 6 6 6 12 -18 12 -6 18। ठीक है, और ये माइनस में कितना आ जाएगा, 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 14 ऐसे आए। ठीक हो गया, और माइनस 5 से अंदर मल्टीप्लाई करो तो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। इतना आने के बाद अब इन्हें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कैलकुलेट करने के लिए अब देखो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ इस बार काम, डायरेक्ट करूँगा तो ये क्या आ जाएगा, देखो 6 -4 इज 2 2 -5 इज -3 तो ये आ गया -3। ठीक, 6 -2 इज 4 4 -0 इज 4 6 -1 इज 5 5 + 0 इज 0। ठीक है, बाकी ये इतना आ गया। फिर ऐसे 6 + 3 9 9 + 0 9 आ गया। 12 -8 इज 4 4 -5 इज -1। ठीक, फिर -18 माइनस माइनस प्लस प्लस 14 -4 तो ये आंसर -4 आ गया। ठीक है, फिर ऐसे 12 -7 इज 5 -6 + 3 3 और 0 ये 3 आ गया। ठीक है ना, -6 -3 आ जाएगा। ठीक, फिर अगला टर्म है 18 -14 इज कितना, 18 -14 इज 4 4 -4 इज -1 तो ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया है, ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इस तरह से काम करना, हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है इसके बाद वाला, ये भी इसी तरह का सेम क्वेश्चन है, तो आपको सिर्फ इतना ही काम करना आज के लिए, और 17 और 18 ऑप्शनल है तो उन्हें आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो हमारी एक्सरसाइज खत्म होगी ये, और लास्ट एक्सरसाइज का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उस एक्सरसाइज पे थोड़ा सा जो ये टर्म्स है हमारे, ए इनवर्स निकालना, डिटर्मिनेंट निकालना, एडजॉइंट निकालना, कोफैक्टर्स माइनस, इन पे ध्यान देना क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में ये सारी चीज़ें काम आने वाली। ठीक है, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।